नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। करते हैं खबरों की शुरुआत न्यूज हेडलाइंस के साथ। नवगछिया में राजद की घोषित बंद में नवगछिया बाजार रहा बंद, सड़क व रेल भी नहीं हुआ प्रभावित। बंदी को लेकर 3 बजे बाद दुकानदारों ने खोली दुकान। नवगछिया पुलिस जिला के जमुनिया हनुमान मंदिर में चोरी, भगवान के चांदी का मुकुट, जनों पे पैर व हाथ का कड़ा उड़ा ले गए चोर। भारतीय बॉल बैडमिंटन टीम में बिहपुर के अंकित का हुआ चयन। नवगछिया के श्री गोपाल गौशाला में चल रहे श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 6ठे दिन बोले कथावाचक, हर किसी के आत्मा में विराजमान रहते हैं भगवान। नवगछिया के दोबनिया में अपराधियों ने लगाई थी आग, गृहस्वामी ने थाने में दी आवेदन। भयानक अगलगी में लाखों की हुई है क्षति। बोलो जय जय गरीनाथ संगीत एल्बम का लोकार्पण, वैश्य महासभा के राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन में किया गया लोकार्पण। खरीक में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहपुर ने तिलगी को 81 रन से हरा कर क्रिकेट टूर्नामेंट जीता। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को किया गया पुरस्कृत। नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड में राजद का बंद रहा बेअसर, खुले रहे सभी बाजार। नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर सहित कई अन्य प्रखंड को बाढ़ व कटाव से निजात दिलाने की कवायद शुरू। बिहार बंदी पर बोले जदयू नेता, नवगछिया में बंदी पूरी तरह रहा विफल। बिहार बंदी पर बोले भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद मंडल, बंदी बेअसर, बिहार के लोगों ने जंगल राज का देखा खौफनाक दृश्य। नवगछिया के धोबिनिया गांव के आगलगी के पीड़ित परिवार से मिले जदयू नेता। नवगछिया में बढ़ती ठंड को लेकर नगर पंचायत ने 8 जगहों पर जलाया अलाव। नवगछिया में 40 लाख की लागत से प्रखंड मुख्यालय परिसर में बना आश्रय स्थल, ठंड में नहीं ठिठुरेंगे बेघर वृद्ध, आश्रम स्थल पर मिलेगी सभी सुविधाएं। अब खबर विस्तार से। भागलपुर नवगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात, सोनाम मैरिज गार्डन। आप उत्सव मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 9992499821। नवगछिया, राजद की घोषित बंद में नवगछिया बाजार रहा बंद, सड़क व रेलवे नहीं हुआ प्रभावित। सुबह 9 बजे से बाजार को राजद समर्थक करा रहे थे बंद। बंद को लेकर 3 बजे बाद दुकानदारों ने खोली दुकानें। सीएए और एनआरसी के खिलाफ राजद द्वारा घोषित बिहार बंद का नवगछिया शहर में व्यापक असर दिखा। राजद के द्वारा घोषित बंद के कारण शहर की सभी दुकानें दोपहर 2 बजे तक बंद रही। 2 बजे बाद राजद नेता व कार्यकर्ता के जाने के बाद दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें खोल ली। बंद का असर नवगछिया NH 31 व रेलवे स्टेशन पर नहीं था। राजद नेता व कार्यकर्ताओं के द्वारा इन स्थानों पर किसी तरह का विरोध नहीं किया गया। NH 31 पर बड़ी बस तो नहीं चल रही थी, लेकिन छोटी सवारी वाहनों एवं आवश्यक सेवा के वाहनों का परिचालन हो रहा था। शनिवार को ठंडी के बाद भी राजद कार्यकर्ता सुबह 9 बजे नवगछिया शहर पहुंच गए थे और बंद को सफल बनाने में जुट गए थे। बंद के राजद के कार्यकर्ता सड़क पर बैनर व पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया एवं हाथ में पोस्टर लिए नारेबाजी करते हुए दुकानदारों से दुकानों को बंद कराया। राजद नेता शैलेश यादव व संजय मंडल के नेतृत्व में पूरे दिन कार्यकर्ताओं ने घूम घूम कर दुकानों को बंद कराया। बंद के दौरान आपदा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अशोक यादव, पूर्व सांसद प्रतिनिधि धर्मेंद्र यादव, मनोज यादव, जिला प्रवक्ता से मीडिया प्रभारी विश्वास झा, नवगछिया के अध्यक्ष संजय यादव, इसके खिलाफ में गफूर, ये जो भी मन में आ रहा है वो कानून अपने मन से बना रहे हैं। और विरोध किस चीज का है? सही, कई अन्य मौजूद थे। सीएए का विरोध है, सीएए मुकेश कुमार, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो पहले सीएबी था उसको अब सीएए कर दिया गया है। इसमें क्या है कि हमारे देश में
वही बंद के दौरान एसडीओ मुकेश कुमार एवं एसडीपीओ प्रवीण भारती घूमकर विधि व्यवस्था का जायजा ले रहे थे। बंद के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर हर चौक चौराहे पर पुलिस मुस्तैद दिखी। देंगे तो रोजगार के लिए आपसे मार करेंगे, तो यहाँ के लोगों का तो पेट भर नहीं पा रहे हैं, अपने सारे मुद्दे में तो विफल रहे हैं, और उसके बाद आज नए लोगों को ला करके हमेशा मुद्दों से भटकाने की बात करती है ये सरकार। इस खिलाफ में हम लोग आज बिहार को शांतिपूर्ण वातावरण में बंद करने में सफल हुए हैं। और बिल से क्या नुकसान है? बिल से बिल्कुल नुकसान है, खास करके मुस्लिम समुदाय को, क्या पिछड़ों को, दलितों को, सबको वंचित रखा जाएगा इसमें। इनकी इनका मिशन बहुत गोलवरकर और सावरकर के मिशन पे चलना है इनको। इनको कानून, बाबा साहेब अंबेडकर के कानून को बदलने का एक षड्यंत्र है ये, और ये अभी से इसीलिए लगे हुए हैं। परिचय दे दें। मैं तनवीर अहमद, जिला प्रधान महासचिव युवा राजद। लोग बताया जाए, NRC और CA बिल के विरोध में बंद है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश भावी प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के आह्वान पर यह बंदी रखा गया है। नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में, पार्टी CA के विरोध में, जिससे कि यह काला कानून जो माननीय अमित शाह एवं नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो यह चलाई है, इनके विरोध में यह बंदी रखी गई है। इसके लिए हम लोग तात्पर, जब इनका जो आदेश होगा इस कानून को बदलने के लिए, हम लोग इसके लिए तात्पर रहेंगे, सदा माननीय तेजस्वी जी का साथ रहेंगे, मजबूत करके रहेंगे। नवगछिया, जमुनिया हनुमान मंदिर में चोरी, भगवान के चांदी का मुकुट, जनेऊ पैर व हाथ का काढ़ा उड़ा ले गए चोर। नवगछिया पुलिस जिला के पर्वता थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव के सरस्वती मंदिर के पास 14 नंबर सड़क के किनारे स्थित हनुमान जी की मंदिर में शुक्रवार की रात अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इस चोरी की घटना में चोरों ने हनुमान जी के चांदी के बने मुकुट, चांदी का जनेऊ, पैर एवं हाथ में चांदी के मटिया सहित अन्य सामान को चुरा कर ले गए। मंदिर में हुए चोरी की बात उस समय सामने आई जब शनिवार की सुबह आसपास के लोग मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान लोगों ने देखा कि भगवान का मुकुट, जनेऊ, हाथ व पैर का मटिया गायब है। मंदिर अस्त व्यस्त स्थिति में है। भगवान के मंदिर के गेट का ताला भी टूटा हुआ मिला। मंदिर में चोरी की सूचना पर पहुंचे लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। चोरी की घटना के संदर्भ में स्थानीय लोगों द्वारा प्रवक्ता पुलिस को दी गई। मंदिर में चोरी होने की सूचना मिलने पर प्रवक्ता पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की। चोरी की घटना के संदर्भ में प्रवक्ता थाने में आवेदन भी दिया गया है। प्रवक्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने कहा कि घटना के संदर्भ में पुलिस छानबीन में जुट गई है। मंदिर प्रांगण में उपस्थित जमुनिया निवासी सह आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने प्रवक्ता पुलिस से मंदिर से चोरी किए गए सामानों की बरामदगी करने एवं दोषियों एवं उन्हें संरक्षण देने वालों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। व्यक्ति के साथ जो है ताला लगा के पूजा उजा करके घर चले गए। उसके बाद 12 बजे रात के लगभग अवधेश पंडित एक नाम का आदमी जो है वो देखा कि बॉल बुताया हुआ है, तो वो आकर बॉल बार दिया। उसके बाद वो भी जाके बेचारा सो गए। जब सुबह में विलास भगत और तंती भगत जो आए तो एक देखा फाटक खुला हुआ था और एक नजर चला गया बजरंग बली के मुकुट नहीं है, तो गौर से देखने के बाद ना मुकुट है ना उनके गौर में काड़ा है।
तब हम लोग उधर से आए घर से, तो मालूम हुआ कि सही में देखते हैं कि चोरी हो गया। तो इस तरह से बहुत ग्रामीण लोग जुटे, और जुटने के बाद ये पता चला कि आज चोरी हो गया है। इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई है? हाँ, पुलिस प्रशासन को दे दी गई है। पुलिस प्रशासन क्या बोल रहे हैं आप लोगों से? हम लोगों से यही बोले कि अच्छा देखा जाए, क्या अज्ञात लोगों पर हम लोग इसका कार्रवाई करेंगे। कितने बजे रात को घटना हुई है? कितने बजे सुबह? लगभग 12 बजे। क्या नाम हुआ आपका? राजेश पंडित। कहाँ के? यही गाँव में के। कौन सा गाँव? यही जमुनिया। नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। हमारी विशेषताएं स्मार्ट क्लास, CCTV परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ। हमारा पता है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, NH 31 नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 88093-0473, 73-68-91-47-33, www.pis.education। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए एक बार जरूर पधारें प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल। नवगछिया का पहला फर्नीचर शोरूम अब और भी नए आकर्षक रूप में। गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम, फर्नीचर, फर्निशिंग एवं किचनवेयर के सभी सामान के साथ एक नए आकर्षक रूप में। शीशम सागवान पलंग, त्रिवेणी वैशाली कंपनी अलमीरा, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर। गौरी शंकर फर्नीचर नवगछिया हाई स्कूल के सामने। संपर्क सूत्र सौरभ जायसवाल 97-096-11-005, 82-92-94-31-26। अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नवगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा, NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने, मकनपुर चौक नवगछिया। मोबाइल नंबर 9065-282725। आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया, कक्षा नर्सरी से अष्टम तक बस की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह, हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437, 99-34-26-14-37। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें आवासीय विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। नवगछिया भारतीय बॉल बैडमिंटन टीम में बिहपुर के अंकित का चयन। नगर भवन मैदान मोतिहारी पूर्वी चंपारण में 22 से 23 दिसंबर तक आयोजित होने वाली इंडो नेपाल बॉल बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में भाग लेने वाली भारतीय बॉल बैडमिंटन टीम की घोषणा कर दी गई है। भारतीय बॉल बैडमिंटन महासंघ के महासचिव दिनेश के पत्र के हवाले से भारतीय बॉल बैडमिंटन महासंघ के संयुक्त सचिव सह बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन संघ के सचिव गौरी शंकर व राज्य प्रवक्ता ज्ञानदेव कुमार ने बताया कि बालक वर्ग नवगछिया बॉल बैडमिंटन संघ बीपुर बाजार निवासी जयकृष्ण शर्मा के छोटे पुत्र अंकित कुमार शर्मा का चयन भारतीय बॉल बैडमिंटन टीम में किया गया है। नवगछिया के श्री गोपाल गौशाला में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के छठे दिन कथावाचक स्वामी केशवाचार्य जी महाराज ने कहा, हर किसी की आत्मा में विराजमान रहते हैं भगवान। नवगछिया के श्री गोपाल गौशाला में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के छठे दिन भी भागवत कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भागवत कथा एवं भगवान के भजनों से नवगछिया शहर का पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। भागवत कथा में कथा कह रहे अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानुजाचार्य परम पूज्य बालक स्वामी श्री केशवाचार्य जी महाराज के प्रवचन को श्रद्धालुओं ने सुना। उन्होंने अपने कथा में कहा कि काम ही अभिमान का जन्मदाता है, हम सभी का पिया कौन है। कृष्ण भगवान सभी के शरीर में आत्मा के रूप में रहते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष या बच्चे, आत्मा को कोई जला नहीं सकता। वहीं इस आयोजन को सफल बनाने के लिए संयोजक स्वामी आगमानंद जी महाराज, सह संयोजक सज्जन शर्मा, विकास चौधरी एवं आयोजक दयाराम चौधरी साथ साथ कई अन्य मौजूद थे। नवगछिया दोमिनिया में अपराधियों ने लगाई थी आग, गृह स्वामी ने थाने में दिया आवेदन, भयानक अगलगी में लाखों की हुई क्षति। शुक्रवार की देर रात दुबनिया गांव के उत्तम यादव के घर में लगी आग अपराधियों द्वारा लगाई गई थी। शनिवार की सुबह इस बाबत गृह स्वामी ने नवगछिया थाने में आवेदन देकर आग लगाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। गृह स्वामी समेत परिजनों का कहना है कि आग लगने से
कुछ देर पहले उन लोगों को पेट्रोल जैसा कुछ मांग रहा था, वे लोग आपस में बात ही कर रहे थे, कुछ पेट्रोल जैसा मांग रहा है, लेकिन चंद मिनटों में ही उनका पूरा बस आग की लिफ्टों में गिर गया। अगर बिजली के शॉर्ट सर्किट या घूर से आग लगी रहती तो आग धीरे धीरे फैलती, लेकिन ज्वलनशील पदार्थ छिड़कने के बाद आग लगा दिए जाने के कारण आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते सब कुछ जलकर राख हो गया। घर के परिजनों के अनुसार आग लगने के तुरंत बाद जब वे लोग खेत के पास गए तो देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है। अपराधियों की मंशा जान माल की क्षति पहुंचाने की थी, लेकिन समय रहते ही दरवाजे को तोड़कर बाहर निकल गए। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार अगलगी में 2 मोटरसाइकिल, कई नकदी जल गए और 3 मवेशी भी काल कवलित हो गए। परिजनों ने कहा है कि अन्य सामान भी जल गए। आग लगने से उन लोगों का लाखों का नुकसान हो गया है। इधर नौगछिया पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की है। बोलो जय जय गणिनाथ संगीत एल्बम का लोकार्पण वैश्य महासभा के राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन में किया गया। लोकार्पण अखिल भारतीय मधेशी वैश्य महासभा के राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन में शनिवार को गुप्ता कुल के देवता बाबा गणिनाथ पर आधारित एक संगीत एल्बम बोलो बोलो जय जय गणिनाथ का लोकार्पण बाबा गणिनाथ सेवा समिति नौगछिया के तत्वाधान में किया गया। बाबा गणिनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार भारती ने लोकार्पण समारोह में बताया कि इस एल्बम में कुल 4 गीत हैं और यह एल्बम वेब म्यूजिक से रिलीज किया गया है। सभी गानों को आवाज नौगछिया के गायक मिथुन महुआ ने दिया है। संगीत तरुण तूफानी का है और सभी गीतों के गीतकार ऋषभ मिश्रा कृष्णा जी हैं। इस अवसर पर गायक मिथुन महुआ ने कहा कि लोक देवता बाबा गणिनाथ पर आधारित यह गीत यहाँ की लोक संस्कृति की खूबसूरती का बखान करता है। लोक विषयों पर आगे भी काम होने की आवश्यकता है। खरीक बीपुर ने तेलगी को हराकर 81 रन से फाइनल क्रिकेट टूर्नामेंट जीता। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को किया गया पुरस्कृत। नवगछिया के खरीक में विजेता क्रिकेट क्लब तेलगी के द्वारा टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका फाइनल मुकाबला तेलगी और बीपुर के बीच खेला गया, जिसमें बीपुर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में अपने सभी विकेट खोकर 236 रन बनाकर फाइनल मैच जीत लिया। वहीं बीपुर क्रिकेट टीम के सिद्धू अली ने 74 एवं मिलन सिंह ने 64 रन बनाए। तेलगी के तरफ से मुन्ना टाइगर ने 2 और मारुति ने 1 विकेट लिया। जवाब में उत्तरी तेलगी की टीम 155 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। तेलगी की तरफ से अमित ने 81 रन बनाया। वहीं फाइनल मुकाबले का मैन ऑफ द मैच सिद्धू अली को मिला एवं मैन ऑफ द टूर्नामेंट अमित कुमार को दिया गया। गोपालपुर राजद का बंद गोपालपुर में बेअसर। राजद का गढ़ माने जाने वाले गोपालपुर प्रखंड में नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में बंद बेअसर देखा गया। यहाँ के प्रमुख बाजार सुखटिया बाजार, अभिया बाजार एवं पंचगछिया बाजार की दुकानें अन्य दिनों की तरह खुली हुई थी। वहीं प्रखंड के सभी प्रमुख चौक चौराहों व बाजारों में चौकीदार व पुलिस बल की मौजूदगी देखी गई। NH 31 स्थित मकनपुर चौक पर स्वयं गोपालपुर थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर श्रीकांत भारती, अपने सहयोगी दरोगा लक्ष्मण राम एवं शिवशंकर रमानी के साथ बड़ी संख्या में सशस्त्र बलों के साथ बंद से निपटने को मुस्तैद दिखे। मगनपुर चौक पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी BO रतन कुमार चटर्जी अले सुबह से कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु तत्पर दिखे। वहीं स्थानीय हरनाचक निवासी भागलपुर जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष शीतल प्रसाद निषाद ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं वाल्मीकि कुमार, सुनील चौधरी, अशोक सिंह निषाद जैसे कई दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मकनपुर चौक पर प्रदर्शन कर नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध जताया। गोपालपुर प्रखंड व गांव को बाढ़ व कटाव से निजात दिलाने की कवायद तेज। नौगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड सहित कई अन्य प्रखंड को गंगा व कोसी नदी की बाढ़ व कटाव से बचाने की कवायद तेज कर दी गई है। यह जानकारी देते हुए नौगछिया बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इंजीनियर अनिल कुमार ने बताया कि कोसी नदी में मदरौनी, बागजान व नगरपारा में तथा गंगा नदी में इस्माइलपुर, बिंटोली, तिंटेगा, दियारा व राघोपुर, नरकटिया में कटाव निरोधी कार्य प्रारंभ करवाने हेतु प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उन्होंने बताया कि नए साल में सभी स्थानों पर निविदा की प्रक्रिया के तहत ठेकेदार नियुक्त कर कार्य प्रारंभ करवाया जाएगा। नवगछिया में बंद पूरी तरह विफल। जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र
कुमार सिंह कुशवाहा ने कहा कि नौगछिया में राजद का बंद पूरी तरह से विफल रहा। बिहार की जनता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा है। नीतीश कुमार ने सदैव धर्मनिरपेक्षता का परिचय देते हुए समावेशी विचारधारा के साथ विकास कार्य किया है। बिहार में किसी भी जाति या धर्म के लोगों के साथ नीतीश कुमार के रहते अन्याय नहीं हो सकता। वही मीडिया सेल जिला संयोजक रवि कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा, तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बंदी पर बोले भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद मंडल, बंदी बेअसर, लोगों ने देखा जंगल राज का चेहरा। भाजपा के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल ने कहा कि राजद द्वारा आहूत बिहार बंद में लोगों ने एक खौफनाक दृश्य को देखा जो 15 साल के राजद के कुशासन में लोगों ने देखा था। बंदी में आम लोगों का कहीं से भी कोई सहयोग राजद को नहीं मिला। भय के माहौल में नौगछिया की कुछ दुकानें बंद रही। बंद कराने वाले को किस मुद्दे पर वह बंद करा रहे थे यह खुद पता ही नहीं था। भारत जब पुनः विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है तो नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में आज हुआ है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा आज नहीं रह गया है, बिना मुद्दे का यह आंदोलन कर रहे हैं। नागरिक संशोधन अधिनियम कांग्रेस के शासनकाल में ही लाया गया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसे लागू कर भारत को एक अच्छी दिशा निर्देश देने का काम किया है। किसी भी समाज को कोई खतरा नहीं है। इस बिल में ऐसा कुछ ही नहीं है जिससे किसी समाज को आघात हो। आम लोगों से अपील करेंगे कि इस बिल को पढ़ें, समझें और लोगों को जागरूक करें। वहीं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भी राजद के असामाजिक तत्वों ने हमला किया जो काफी निंदनीय है। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद मंडल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी घटना की कड़ी निंदा करती है। भारत का जो बिहार बंद का खौफनाक मंजर हम लोगों ने बिहार वासियों ने महसूस किया, जो उनका 15 साल का कुशासन रहा था उसकी एक मंजर पुनः लोगों ने, हम लोगों ने देखा। सबसे बड़ी बात है कि आज यह बंदी था किस लिए, जिस इशू पर, जिस मुद्दे पर बंदी होता है लोगों को ये भी नहीं पता। कुछ असामाजिक तत्व राजद के जो समर्थक माने जाते हैं, ऐसे असामाजिक तत्व जो है इस देश में, इस राष्ट्र में, ये एक विध्वंसकारी स्थिति पैदा करना चाहती है। आज हमारे जो चौथे स्तंभ पत्रकार बंधु हैं, मित्र हैं, भाई हैं, उन पर भी हमला हो रहा है। हम लोगों ने देखा पटना में भी बड़े पैमाने पर आर भारत चैनल है उस पर हमला हुआ, कहीं पर आज तक चैनल वाले पर हमला हुआ। ये लोग आज जो हमारे भारत जो को जो विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उससे ये लोग बुखला गए। उनके विकास के मॉडल से, उनके राष्ट्र पे जो काम करने की गति आज देश में है, आज जो भारत शक्तिशाली हुई है, इस मुद्दे से आम लोगों का भटका कर जो हमारे भाई जिस भी समाज से। नवगछिया, ठंड को लेकर नगर पंचायत ने 8 जगहों पर जलाया अलाव। पिछले 3-4 दिनों से तेज हवा के साथ कनकनी भरी ठंड को देखते हुए नौगछिया नगर पंचायत के द्वारा नगर क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों पर शनिवार को अलाव की व्यवस्था की गई। नगर पंचायत के द्वारा नगर के अनुमंडल या अस्पताल, नौगछिया स्टेशन, महाराजी चौक, वैशाली चौक, गौशाला रोड सहित अन्य स्थानों पर ठंड को देखते हुए अलाव जलाया गया। इस दौरान नौगछिया स्टेशन चौक पर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन, नगर अध्यक्ष, प्रतिनिधि, समाज सेवी प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव, विनोद भगत, विवेका सिंह सहित कई अन्य मौजूद थे। वहीं मौके पर अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव ने बताया कि जब तक शीतलहर रहेगी नगर पंचायत के द्वारा इन स्थलों पर अलाव की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा जहां भी अलाव की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी वहां अलाव जलवाया जाएगा। नवगछिया, ठंड में नहीं ठिठुरेंगे बेघर वृद्ध, आश्रय स्थल पर मिलेगी सभी सुविधाएं। 40 लाख की लागत से प्रखंड मुख्यालय परिसर में बना है आश्रय स्थल। मंगलवार से नगर पंचायत स्तर से शुरू होगी भोजन की व्यवस्था। वर्तमान में आश्रय स्थल पर रह रहे 12 निसहाय लोग। नौगछिया में इस वर्ष ठंड में किसी भी निसहाय को ठिठुरने नहीं दिया जाएगा। इस भीषण ठंड से बचने के लिए निसहाय लोगों के लिए नौगछिया प्रखंड मुख्यालय परिसर में 40 लाख की लागत से नगर पंचायत के द्वारा निर्माण किए गए आश्रय भवन को चालू कर दिया गया है। वहां पर जो भी निसहाय लोग हैं वे रह सकते हैं। वहीं उक्त जानकारी नौगछिया नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन व नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर डब्लू यादव ने देते हुए कहा कि वर्तमान में आश्रय स्थल भवन का विधिवत उद्घाटन नहीं किया गया है, लेकिन इस ठंड को देखते हुए निसहाय लोगों को आश्रय स्थल में रहने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। वर्तमान में अभी आश्रय स्थल में 12 निसहाय लोग रहना शुरू कर दिए हैं।
आश्रय स्थल पर कुल 50 बेड की व्यवस्था है। वहीं प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव ने कहा कि आश्रय स्थल में वर्तमान में रह रहे निसहाय लोगों को रहने की व्यवस्था दी गई है। मंगलवार से नगर पंचायत स्तर से उन लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था तत्काल शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो लोग निसहाय है उन्हें आश्रय स्थल में शिफ्ट करा दें, वहां उन्हें सभी सुविधाएं दी जाएगी। अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री डब्लू यादव ने कहा कि आश्रय स्थल के विधिवत उद्घाटन के बाद भोजन की व्यवस्था व अन्य सुविधाओं के लिए संवेदक प्रतिनियुक्त किए जाएंगे।